नमस्कार, एक और में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त होस्ट दामोदर सिंह राजावत। दोस्तों, ये वीडियो बड़ा साधारण सा है जिसमें आप जानेंगे कि पत्रकार कैसे बना जा सकता है, पत्रकार बनने के साथ उसका जो लाइसेंस या प्रमाण पत्र है वो कैसे मिलेगा, साथ ही साथ जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, मीडिया में आप जब कवरेज के लिए जाते हैं, रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, तो आपको प्रशासन, पुलिसिंग या अन्य तरह के महकमे पूछते हैं कि आपके पास प्रेस आईडी कार्ड है या नहीं। तो ऐसे में आपको ट्रेंड रेगुलर पत्रकार होना बहुत ज़रूरी है। पत्रकारिता के लिए डिग्री डिप्लोमा से कहीं आवश्यक है आपका स्किलफुल होना, यानी पत्रकारिता को जानना। अगर आप एक ईमानदार शख्सियत हैं, आप आसपास की घटना सूचना को जन सरकार की भावनाओं को मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आपको पत्रकार होने का पूरा अधिकार है। आप एक ईमानदार छवि के शख्सियत हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप किसी गांव, देहात, तहसील या जिले में रहते हैं, लेकिन आप अन्य किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं, लेकिन आपके मन में ये रहता है कि आप पत्रकार बने, मीडिया में काम करें, आपकी खबरें प्रकाशित हों, आपके वीडियो बने, आप फोटो और कैप्शन भेजें, उनको ब्रॉडकास्ट किया जाए। लेकिन पत्रकारिता में कहाँ, कब, क्या, कैसे, क्यों हो रहा है, ये सब भी आपको जानना चाहिए। आसपास हो रही घटनाओं, सूचनाओं, कार्यक्रमों पर भी आपको नज़र बिठानी होगी। साथ ही साथ आपको घटनाओं, सूचनाओं, कार्यक्रमों में से खबर खोज कर लानी पड़ेगी। अगर आपके अंदर ये क्षमता है तो निश्चित ही आप एक बेहतरीन होनहार पत्रकार बन सकते हैं। अगर आप अपने ज़िले में उभरते हुए पत्रकार बनना चाहते हैं, आप पत्रकारिता का रौब दिखाना चाहते हैं, पत्रकारिता से बहुत मोटी कमाई करना चाहते हैं, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पत्रकारिता इन सब के लिए नहीं बनी है। पत्रकारिता बनी है आसपास हो रही समस्याओं, सूचनाओं, घटनाओं, कार्यक्रमों या जन सरकार की खबरों को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के कार्य के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई मुद्दा है, कोई समस्या है, मीडिया उसको दिखाए, आपको कमाई हो ना हो इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आप समस्या को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, समस्या का सलूशन चाहते हैं, तो मीडिया के पास जाएं, पत्रकार बने, ना कि अपने रुतबे, अपना पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए और भी रोजगार हैं, धंधे हैं, कारोबार हैं, लेकिन पत्रकारिता भी एक आपका माध्यम हो सकता है जहाँ पर आप कमाई कर सकते हैं। उसके लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है, जो पत्रकारिता को समझते हैं, जानते हैं, उनका एक शैली होती है विज्ञापन लेना और विज्ञापन ब्रॉडकास्ट करना। तो अगर आप विज्ञापन लेने में माहिर हैं, आसपास आपकी सूचनाओं, खबरों से कोई चीज़ प्रभावित होती है, तो निश्चित ही आप आसपास अपने चैनल के लिए विज्ञापन ले सकते हैं और उसके बदले आपको संस्थान रेवेन्यू देती है, यानी कि आपको एक अच्छा मोटा प्रॉफिट शेयर करती है। तो देखिए, आपने कहीं ना कहीं अपनी मदद कर ली, समाज की मदद कर दी और मीडिया हाउस जहाँ से आप जुड़े हैं उनकी भी मदद कर दी। कुल मिला के गिव एंड टेक पर चलने वाली इस पत्रकारिता में आपको अपना रोल अदा करना पड़ेगा, आपको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, जहाँ पर आपके स्किल्स, लेखन शैली और ईमानदार छवि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पर आप लगातार चीज़ें सीखते हैं। और एक अच्छी बात बता दूँ कि पत्रकारिता किसी भी फुल फ्लैश एक्सपीरियंस तरह का जॉब नहीं है, यानी कि जैसे CA, MBBS या इस तरह की डिग्री करने के बाद आपको वो ही करने को मिलता है, लेकिन पत्रकारिता में किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति पत्रकारिता स्टार्ट कर सकता है, चाहे वो 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएट हो। डिग्री मायने नहीं रखती दोस्तों, मायने रखता है आपका जज्बा और कुछ करने की नई पहल। तो इसी पहल में आपको विश्वसनीय संस्थान ई खबर मीडिया लगातार हेल्प कर रहा है, जहाँ पर आप गोल्डन नंबर 8871022700 पर कॉल कर लें, हम आपको यथासंभव मदद करेंगे। साथ ही साथ मैं आपका दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह राजावत आपसे निवेदन करता हूं कि जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। तो यकीन है दोस्तों कि आप इन जानकारी से संतुष्ट होंगे और आने वाली जानकारी जो हम शेयर करेंगे उसके लिए तैयार रहेंगे। देखते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।